स्थापित कर दिया और बड़े उत्साह के साथ जिस तरह से उस विद्यालय परिवार में आदरे सुभाष त्रिपाठी जी, मैडम निर्मला त्रिपाठी जी जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने बड़े उत्साह से सबको आंखों पर बैठा करके स्वागत किया, सबको आदर दिया और कार्यक्रम को समापन की ओर पहुंचा ही दिया। मैं आज के अवसर पर इसलिए मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो हमारे हट्ठे कट्ठे व्यायाम शिक्षक जो बच्चों को कंट्रोल करते थे, जो कार्यक्रम तैयार कराते थे, आज मैंने देखा कि इसी विद्यालय की एक शिक्षिका बहन अंजलि ने पूरे बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करके और जो बच्चों का कार्यक्रम स्थापित कराया, प्रस्तुत कराया, वह काबिले तारीफ है। बच्चों ने उनके प्रयास से जिस तरह से ऊंचाई पर पहुंचे, मैं अपनी शिक्षिका बहन पर भी गर्व करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें बकअप करता हूं। मैं आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह पहला एक कार्यक्रम था मेरे लेजिस्लेशन लाइफ का कि जहां इस देशवासियों के लिए मनोरंजन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए जब संस्थाएं असमर्थ हुआ करती थी तो हमारे उस समय के जिम्मेदार लोग जो परंपराएं हैं, परंपरा सपरों की जीत है, उनके जो कार्यक्रम है जैसे फरुहा हनाच जिस तरह से उन तीनों बच्चों ने प्रस्तुत किया, तीनों के रूप में कोई मेल नहीं था लेकिन एक दूसरे से कोई कम नहीं था। मैं उन नन्हे बच्चे से लेकर के उस टीम के अगुआ के ही प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों बच्चियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो लोकोक्ति है, जो परंपराएं हमारे घरों में, हर घरों में, चाहे घर बड़े हो चाहे कितने कम पूरे हो, लेकिन मैं देख रहा था कि निर्मला जी बहुत खुश हो रही थी और जब उन्होंने अपने पास से जब 2000 का नोट निकाला तो अपनी सुभाष त्रिपाठी जी ताकते रह गए। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे बच्चों को आज जहां पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, जहां हमारे सामने प्रतिस्पर्धा का पहाड़ खड़ा है, हम कैसे पार कराएंगे बच्चों को, वहां जो पुरानी परंपराएं हैं कि नदी होने के नदी पर व्यवस्था रहने के बाद भी हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम आनंद भी उठा सकते हैं, ये हमारी परंपराएं थी, हमारी रीति थी, हमारे तमाम लोकगीत है, तमाम जैसे तमाम तरह के नृत्य है। और अभी जो ओरिजिनल जो प्रस्तुत किए गए उसमें बहुत बड़ा आकर्षण था। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि वह कैसर की धुन पर इन बच्चों को जो भी आप सिखाए, क्योंकि इन बच्चों के अंदर कोई दाग नहीं होता रहे, सूर्य चंद्रमा में दाग हो सकता है लेकिन बच्चों में कोई दाग नहीं होता, हम कैसे इनको आगे बढ़ाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे उन व्यायाम शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे संगीत के टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है और मास्टर तो मास्टर होता है, मास्टर माने सर्वर, ये अंजलि बहन ने साबित कर दिया। ये विज्ञान की शिक्षक, विज्ञान की शिक्षिका होते हुए भी उन्होंने एक जो अपने परिसर से जो बच्चों को तैयार कराया वह नहीं कहा जा सकता है कि कौन अध्यापक क्या नहीं कर सकता, हर अध्यापक सब कुछ कर सकता है,
मैं यह जरूर कहना चाहता हूं अपने व्यायाम शिक्षक साथियों से, अपने सम्मानित प्रधानाचार्य, कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो एक सीमित है और हमारे प्रदेश की भी आबादी 24 करोड़ से ऊपर होने जा रही है। जनगणना अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन 24 करोड़ से ऊपर हो रही। लेकिन जो ये सहगामी पाठ्यक्रम है इसके माध्यम से हम हर बच्चे बच्चियों को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ये हमारे लिए एक साधन है, एक माध्यम है और हर क्षेत्र में चाहे जिस क्षेत्र में कोई जाए। ये भोजपुरी गीत गाते गाते देश की सबसे बड़ी पंचायती में बड़ी मजबूत पार्टी थी, बड़ी सत्तारी पार्टी थी, रोज मन की बात होती थी, लेकिन वहां जीतने के लिए उस भोजपुरी के संगीतकार को, उसके मतलब भोजपुरी के गायक को स्वीकार करना पड़ा। तो यह है कि एक अलग विधा, बूढ़े हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान हो, सब क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, कहीं मैच होता सब देखते हैं। तो हम अपने बच्चों को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मैं आज के अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं, हमारे व्यायाम शिक्षक के पुराना रिकॉर्ड देख करके अपने बच्चों की तैयारी करेंगे कि कितने मिनट में 200 मीटर का रेस पूरा किया, कितने मीटर में 800 का जो है रेस हुआ, किस तरह से लंबी कूद, ऊंची कूद का क्या रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड के आधार पर जब हम तैयारी करेंगे तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से प्रदेश में या देश में आने से पीछे नहीं रह सकते। मैं आज के अवसर पर अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते, कि परिश्रम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक मन में झंडा है, कुछ कर गुजरने की हसरत है तो सब कुछ किया जा सकता है। एक 8 साल का बच्चा जिस तरह से परवाह एकाची में अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा था वह बड़ों से कहीं कम नहीं था, उनसे आगे तो कोई या बच्चा या न समझे, कोई खिलाड़ी या न समझे कि हम नहीं कर सकते, हम बादाम नहीं खाते हैं तो हम नहीं दौड़ सकते। एक मन में जज्बा होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं जिन्होंने और जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गए, कहीं न कहीं कोई थोड़ी सी चूक हुई, एक अवसर मिला है, सतर्क होकर के प्रयास करो, अगले साल की जनपदीय रैली में वह रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ो, मेरी शुभकामना है। मैं आज के अवसर पर मैं आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी को, आदरणीय निर्मला त्रिपाठी जी को, उनके स्टाफ को, उनके प्रधानाचार्य को और सभी शिक्षक साथियों के प्रति और प्रधानाचार्य के लोगों परिषद के सभी सम्मानित पदाधिकारी के बदौलत लोग मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और मैं जरूर कहूंगा कि आप जब बुलाएंगे तब आएंगे, समय से आएंगे, मैं समय से पीछे नहीं आऊंगा। अब भले यहाँ मैं कब किस कारण से नहीं आया, मामला पेट का था तो पेट तो भारी होना चाहिए पाने जी, तो लेकिन फिर हाँ मैं अपने बच्चों के उज्जैन की भविष्य की शुभकामना करता हूँ और जो विजेता है उनसे जरूर अपेक्षा करूंगा। एक अध्यापक की भावना जो अपने बच्चे के प्रति होती है कि आप मंडल में स्थान प्राप्त करके
पहला स्थान प्राप्त करे, मेरा भी सीना गौरव से चौड़ा हो, वो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक का भी सीना चौड़ा हो। ये बोलते कम है हमारे डीआई साहब, लेकिन होनहार बहुत है। क्या बात है, ये बहुत होते हैं। यदि कोई समस्या मसला हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय शिक्षकों का चयन वेतन मान, प्रोन्नत वेतन मान और समय से वेतन मान बराबर देते रहिएगा। अध्यापक आशीर्वाद देगा, ये आपके बाबू कहीं शोषण करेंगे तो उसका पाप आपके पर पड़ेगा, ऐसा नहीं करिएगा। मैं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक पर भी गर्व करता हूँ और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और मंजुल्ला भाई, मैं आपका कायम हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।